उत्तर प्रदेश के राजभवन के प्रांगण में पुष्प और भाजी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस प्रदर्शनी में आप देख सकते हैं कि फूलों के साथ या फूलों से कई आकृतियां और भगवान राम का दरबार सजाया जा रहा है। और यहां पर जो मैडम हैं वो बड़ी लगन के साथ आप देख रहे काम कर रही हैं, जय श्री राम लिख रही हैं वो गेंदा के फूल से। तो हम उनसे बात करेंगे कि ये किस तरीके से तैयार किया जा रहा है। मैम, जो भाजी और पुष्प प्रदर्शनी है उसमें एक अलग तरीके से आपने देखिए शिव महाशिवरात्रि है, ये भी हम लोगों ने बनाया, तो उसको लेकर के भी आपने शिवलिंग तैयार किया है फूलों से। अभी राम दरबार से आया जा रहा है, तमाम सारी आकृतियां हमको दिखाई दे रही है, हनुमान जी की हैं, आगे जाएंगे तो गणेश जी की हैं। तो किस तरीके से उसको तैयार किया है ये कॉन्सेप्ट जो है? ऐसे हम 10-12 साल से लगभग यहाँ हर साल बना के तैयार करते हैं। थीम अलग अलग रहती है। इस बार शिव महाशिवरात्रि है, कल इस ये सोच के कि चलिए शिवलिंग बनाते हैं। अयोध्या मंदिर का वो ज़्यादा चल रहा है, इसीलिए हम लोगों ने राम दरबार भी सजाया है। और सोचते हैं हर बार कुछ अलग करें कि जिसे लोग इंटरेस्ट के साथ यहाँ आए राजभवन में देखने के लिए, उनका उत्साह बना रहे। G20 का लोगो भी तैयार किया है आपने? हाँ जी। I love India करके भी आपने? हाँ जी, दो हंस होंगे, ये बजरंग बली भी बने हैं। तो हम कह सकते हैं अलग जो आपने कलाकारी की है उसमें कलाकृतियाँ बनाई हैं, उसका अलग अलग मैसेज जाता है? हाँ जी बिल्कुल जाएगा, वो जैसे जैसा चल रहा होता है टॉपिक हम भी उसी तरह से काम करते हैं जी। हाँ जी, तो कितने पहले तैयारी करनी पड़ी है, कब से आप काम? 15 दिन पहले से पहले इसके स्ट्रक्चर तैयार करने पड़ते हैं सारे लोहे के अंदर से, और उसके बाद 4-5 दिन से तो बिल्कुल लगभग 50-60 लोग, तो ज़्यादा ही 100 लोग के करीब इसमें लगते हैं काम करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि एक एक फूल में एक एक टूथपिक लगी हुई है, और 10-15 क्विंटल से कम ये फ्लावर नहीं होंगे। 4 दिनों तक रोज फूल आता है। पहले वो फूल से बनाते हैं जो खराब 3-4 दिन तक खराब ना हो। अच्छा, तो जैसे शिवलिंग में जाफरी लगी हुई है, ये पता भी नहीं चलता है 3-4 दिन आप नहीं खराब होंगे। जैसे हनुमान जी को बनाने में दिखाई देगा तो हनुमान जी आज ही बनाए गए सुबह के टाइम में, रात में। हम जैसे फूलों का जो चुनाव है वो भी बड़ा सोच समझ के करना पड़ता है। बिल्कुल हाँ, हमें ये देखना पड़ता है कि उस कलर जो है उसको हम कैसे दिखाएं। जैसे बजरंग बली हमें ऑरेंज दिखाने हैं, शिवलिंग हमें ब्लैक दिखानी है, तो हम वही कोशिश करते हैं कि वो फूल हमें मिले। तो किन किन फूलों का इस्तेमाल किया है आपने जो सारी यहाँ पे? तो गेंदे का ही है, और कुछ में रोज है, गेंदे की वैरायटी है, बस यही ज़्यादातर है गेंदे की वैरायटी। टोटल काम फूल से? हाँ पूरा है, और जरबेरा है, ग्लैडियोलस है, सब लोग का जो हमें यहीं आसानी से मिल जाए। जी जी, हाँ जी। तो अभी चल ही रहा है काम? हाँ जी चल रहा है, बस ये रह गए थे क्योंकि वो सिक्योरिटी के चक्कर में राम दरबार और ये हनुमान जी वहीं रह गए थे बाहर, बाकी सब आ गए थे। अच्छा, तो इसलिए छूट गए। चलिए अपना नाम बता दीजिए। अल्पना राठी। तो ये अर्पण राठी जी हैं जिनका कहना है, क्योंकि हर थीम पे हम काम करते हैं, जिस वर्ष जो प्रदर्शनी होती है उसके जो थीम होती है उस पे वो काम करती हैं। इस बार भी जो थीम है उनकी खास है, G20 से लेकर के आप देख सकते हैं आई लव माई इंडिया, और ये बजरंग बली के साथ साथ भगवान राम दरबार, महाशिवरात्रि है तो उसको लेकर के जाफरी का जो फूल है वो एक यूनिक फूल है, उसको लेकर के इन्होंने एक शिवलिंग तैयार किया है। उसके बाद आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार का लोगो है, और फिर आप जाएंगे तो दो हंसों का जोड़ा है। तो इस तरीके से इन्होंने अब जो फूल से पूरी तरीके से प्रांगण में अलग अलग कलाकृतियां बना करके उसको सजाने का प्रयास किया है। जो फूलों से जो पुष्प और भाजी प्रदर्शनी राजभवन लगी है जी, इसमें आप देख रहे हैं कि फूलों से अलग अलग जो कलाकृतियाँ बनाई गई हैं जी, तो कैसे लग रहा है उनको देख के? बहुत ही सुंदर लग रहा है, मन बड़ा आनंदित हो रहा है देख के, इतने सारे फूल, इतनी वैरायटी के फूल, बहुत ही मन खुश हो गया आके। हाँ जी बहुत अच्छा लग रहा है, और मम्मी की तो 25 ईयर्स की विश थी कि मुझे जानी है प्रदर्शनी देखने, तो आज हम लोग आए हैं मम्मी को लेके, और मैंने भी पहली बार ही देखी है, मैं फर्स्ट टाइम ही आ रही हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को भी। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।